तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन का 10वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और एमआई की टीम अपना पिछला मैच केकेआर के खिलाफ जीत कर आई है, जबकि आरसीबी की टीम अपना पिछला मैच हार कर आई है। तो ओवरऑल दोनों ही टीमों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन दोनों टीमों के बीच जो आईपीएल का 10वां मैच होगा, इसमें क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, किस तरीके से पिच खेलेगा। इसके साथ आपको बताऊंगा कि अब तक ये दोनों टीमें आईपीएल में जब जब आमने सामने आई है तो क्या स्टेट्स क्या रिकॉर्ड रहे, यानी हेड टू हेड के मामले में अब तक दोनों टीमों के क्या रिकॉर्ड रहे हैं। इसके साथ ही आपको वेदर रिपोर्ट और प्लेइंग 11 भी बताई जाएगी, और वीडियो के आखिर में आपको इस मैच की कंफर्म्ड प्रेडिक्शन मिलेगी। अब तक हमने आईपीएल पर जितनी भी प्रेडिक्शन दी है वो 95% सही गई है, तो वीडियो के आखिर में आपको कंफर्म रूप से मैच से पहले ये पता चल जाएगा कि आज का मैच एमआई की टीम जीतेगी या फिर आरसीबी की टीम जीतेगी। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो आज एमआई और आरसीबी के बीच आईपीएल का 10वां मैच दुबई में होगा, इसमें क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, किस तरीके से पिच खेलेगा। तो अगर हम बात करें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच की, तो यहाँ पर अब तक पीएसएल और इंटरनेशनल मैचेस को मिलाकर कुल 70 यानी 70 टी20 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने केवल 25 मैचेस जीते, जबकि सेकंड टाइम बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पर 44 यानी 44 मैचेस जीते हैं। तो यहाँ पर पिच चेस करने वाली टीम के फेवरेबल में होता है, लेकिन आईपीएल 2020 के सीजन में इससे बिल्कुल विपरीत हुआ है। आईपीएल 2020 के सीजन में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है उसी टीम ने दुबई में सभी मैचेस जीते। अब तक दुबई में 4 आईपीएल के मैचेस हुए हैं, और चारों मैचों में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी उसी टीम ने सभी मैच जीते हैं। तो यहां पर जो जब पीएसएल होता है, तो पीएसएल नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में होता है, उस समय ड्यू का भी एक फैक्टर होता है, इसी वजह से उस समय चेस करने वाली टीम को फायदा होता है। लेकिन आज फिलहाल में सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो टीम दुबई के स्टेडियम में दुबई के पिच पर पहले बल्लेबाजी करेगी उसी टीम को फायदा होगा। एमआई की टीम भी अपना पिछला मैच पहले बल्लेबाजी करके जीती है, जबकि आरसीबी की टीम अपना पिछला मैच चेस करते हुए हारी है। तो दोनों ही टीमें चाहेगी कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर दे, और यहां का एवरेज स्कोर 150-155 प्लस होता है, यानी हाई स्कोरिंग मैचेस दुबई के स्टेडियम में होते हैं। तो दोनों ही टीमें चाहेगी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके 170-180 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया जाए। इसके साथ ही बात करते हैं हेड टू हेड के मुकाबले की, यानी जब जब ये दोनों टीमें आईपीएल में आमने सामने आई है तब तब क्या इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड क्या स्टेट्स रहे हैं। अब तक दोनों टीमें 25 बार आईपीएल में आमने सामने आ चुकी है, 25 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच हो चुके हैं, उसमें से एमआई की टीम ने 16 आईपीएल के मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी की टीम ने एमआई के खिलाफ केवल 9 ही मैच जीते। हेड टू हेड के मामले में एमआई की टीम आरसीबी की टीम से काफी आगे आ चुकी है, जबकि अगर हम बात करें पिछले 3 से 4 सालों की, यानी 2016 से लेकर 2019 के बीच की, तो पिछले 3 से 4 सालों में एमआई और आरसीबी के बीच कुल 8 आईपीएल के मैच हुए हैं, और इन 8 मैचेस में से एमआई की टीम ने 7 आईपीएल के मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी की टीम ने केवल 1 ही मैच जीता, यानी 2016 से लेकर अब तक केवल 1 ही मैच आरसीबी की टीम ने एमआई के खिलाफ जीता है। तो ओवरऑल हेड टू हेड के मामले में एमआई की टीम आरसीबी से काफी आगे दिख रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज हेड टू हेड के मामले में आरसीबी की टीम एमआई के करीब आ पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसके बाद बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, यानी वेदर रिपोर्ट की। तो दुबई में अब धीरे धीरे गर्मी कम होने लगी, अब जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा जैसे जैसे ठंड शुरू होगी वैसे वैसे गर्मी काफी कम हो जाएगी। इस मैच में यहाँ पर 36 से 38 डिग्री के बीच का टेम्परेचर रहेगा, और दुबई में अब ये आईपीएल का 5वां मैच होने जा रहा है, तो सभी प्लेयर अब यहाँ पर यूज टू हो चुके हैं, प्लेयर्स को अब ज्यादा समस्याएं नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं चौथे फैक्टर की, यानी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। आखिर जो आज इन दोनों टीमों के बीच मैच होगा उसमें किस तरीके की प्लेइंग 11 दोनों टीमों की रहेगी। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एमआई की टीम की प्लेइंग 11 की, तो एमआई के लिए क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा एक बार फिर से हमें ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर सौरव तिवारी या फिर ईशान किशन में से कोई एक, नंबर 5 पर कायरन पोलार्ड दिखेंगे। इसके साथ ही जो टीम के फिनिशर्स होंगे, जो लोअर ऑर्डर होगा, उसमें नंबर 6 नंबर 7 पर हार्दिक और कृणाल पांड्या दिखेंगे। इसके बाद
बाद जो इस टीम की गेंदबाजी लाइनअप होगी, जो टेल्स होगी, उसमें नंबर 8 पर राहुल चहर, नंबर 9 पर जेम्स पैटिनसन, नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 की। तो आरसीबी की टीम के लिए देवदत्त पाडिकल और एरोन पिंच हमें ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर इनके कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स और नंबर 5 पर मोइन अली की इस मैच में एंट्री हो जाएगी। एबी डिविलियर्स इस मैच में हमें विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद जो इस टीम का लोअर ऑर्डर होगा, जो फिनिशर्स होंगे, उसमें नंबर 6 पर शिवम दुबे, नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे। इसके बाद जो इस टीम की टेल्स होगी, जो 4 प्रॉपर गेंदबाज या फिर ऑलराउंडर्स होंगे, इसमें नंबर 8 पर क्रिस मॉरिस की एंट्री होगी, नंबर 9 पर या तो उमेश यादव या फिर सिराज खान में से कोई एक होगा और नंबर 10 पर नवदीप सैनी, नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल होंगे। तो कुछ इस तरीके से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होगी। आरसीबी की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव होंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग दोनों टीमों में से कौन सी टीम की प्लेइंग 11 ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम की प्लेइंग 11 है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। इसके बाद बात करते हैं पांचवे और आखिरी फैक्टर की, यानी इस मैच की प्रेडिक्शन की, आखिर कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। तो अब तक जितनी भी बड़ी वेबसाइट या फिर बड़े सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस मैच की जो प्रेडिक्शन की रिपोर्ट निकल कर आई है, उसके अकॉर्डिंग 56% एमआई की टीम के ये मैच जीतने के चांसेस है, जबकि आरसीबी की टीम के केवल 44% ये मैच जीतने के चांसेस है। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एमआई की टीम थोड़ी आरसीबी की टीम से आगे दिख रही है और एमआई की टीम के ये मैच जीतने के थोड़े अधिक चांसेस है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम के ये मैच जीतने के कितने चांसेस है और एट द एंड कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। आप उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।